Hi everyone I hope you're really doing well today we are going to cover another critical theorist which name is Max o'cumer and he is one of my favorite critic so without wasting any time let's get started to discuss about his biography so मैक्सो की उम्र ही वॉज बोर्न ऑन एटीन नाइन्टी फाइव एंड ही वॉज डाइड नाइनटीन सेवनटी थ्री ही वॉज अ जर्मन फिलोसफर हुम द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी और या फ्रैंकफर्ट स्कूल का ही इंस्टीट्यूट था मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सिर्फ एक स्कूल ऑफ थाट था फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर ठीक है और ये डायरेक्टर बना था नाइनटीन के अंदर इन्होंने डोनो के साथ भी काम किया था और मैकुस के साथ भी काम किया था ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टू हैव एसोसिएट विद द सो कॉल्ड फ्रैंकफर्ट स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट जो था वो क्रिटिक था ठीक है ही वॉज बेस्ट नॉन फॉर इज कलेबोरेटिंग वर्क विद अडोनो ओन द डायरेक्टेड ऑफ एनलाइटनमेंट अडोनो की मैंने बायोग्राफी बता, बना दी मैंने बताया है कि अडोनो के साथ इन्होंने किस तरह काम किया और इनका जो कलेबोरेटिव वर्क था उसका नाम था डायरेक्टेड ऑफ एनलाइटमेंट मोर ओवर ही ब्रॉडली आउटलाइंस द प्रोग्राम फॉर द फ्रेंकफर्ट स्कूल्स मॉडल ऑफ क्रिटिकल थीरी सिंपल मीन के यही वो इंसान थे जिन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रोग्राम को ब्रॉडली आउटलाइन किया था और क्रिटिकल थेरी का जो हाका था एक स्केच था वो बनाकर सबके सामने पेश किया था कि हमें इस तरीके से क्रिटिकल थेरी के ऊपर काम करना है एंड स्ट्रेसिस द नीड फॉर एन इंटर डिसप्लिनरी मोड ऑफ थाट्स ड्राइंग ऑन फिलोसफी इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो इन्होंने एक ऐसा स्केच बनाकर क्रिटिकल थेरी के नाम से पेश किया था जो इन लोगों ने एक तो फ्रैंकफर्ट स्कूल को जो था वो रिप्रजेंट करा था और दूसरी चीज़ उन्होंने ये स्ट्रेसेस इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया था इस चीज़ की जो जरूरत थी वो बताई थी कि इंटरडिसिप्लिनरी मोड ऑफ थॉट्स जो हैं वो ना सिर्फ सिर्फ सोसाइटी पे होने चाहिए बल्कि एक इंसान की नीड के लिए इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, एंड हिस्ट्री क्या कहती है उन सब चीज़ों को हमें लेकर साथ चलना होगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द डायलेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के वो एक्सप्लोर करना चाहते थे डायलैक्टेड रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल बंदे का यानी एक फ़र्द का एक सोसाइटी में क्या क्या रोल है उसको किस किस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है उसका फिलासफ़ी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी हिस्ट्री बेस क्या है ये सारी चीज़ें और किस तरह एक सोसाइटी अफेक्ट कर रही है एक इंडिविजुअल को इन रिटर्न ये सारी चीज़ों का किसने हमें बताया मैक्स ऑफ ने मैक्स ऑफ ह्यूमर डिड मैनी वर्क बस इसका जो फेमस सबसे ज्यादा वर्क था वो था ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थेरी यानी क्रिटिकल थेरी का जो वर्ड था इन्होंने ही कॉइन किया था ही डिस्क्राइब क्रिटिकल थेरी एज ह्यूमन एक्टिविटी दैट टेक सोसाइटी इट सेल्फ एज इट्स ऑबजेक्ट यानी उन्होंने कहा है कि क्रिटिकल थेरी एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है एक ऐसी सरगर्मी है जो कि सोसाइटी को अपने एक मकसद के तौर पर लेती है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लेती है और अपने फ़ायदे के लिए क्रिटिकल थेरी जो है एक इंसान के फायदे के लिए उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है विच एम्स टू ट्रांसेंस द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्पजफुलनेस एंड स्पॉन्टेनिटी और इसका मेन मकसद क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसका सोसाइटी में रहने के लिए किन 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 मकासद की उसको ज़रूरत है और कि उन मकासद की वजह से जो तनाव पैदा होता है उसको किस तरह अबूर किया जाए किस तरह ख़त्म किया जाए और एक इंडिविजुअल जो है अपनी सोसाइटी में किस तरह एक सेटल हो सकता है इसी तरीके से सही हो गया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया इन द वर्क प्रोसेस रिलेशनशिप इसके साथ साथ वो काम करने वाला रिलेशनशिप बताया इंसान का अपून विच सोसाइटी इज़ फाउंडेड जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी का इन्हसार है फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में काम नहीं करेगा तो उसकी सोसाइटी किस तरह बनेगी ठीक है और किस तरह एक इंसान अपनी सोसाइटी में से एक क्रिटिकल थीरी का उसने वर्ड बताया कि किस तरह वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह इन दोनों की जो टेंशन है इन दोनों के दरमियान सोसाइटी के और एक इंडिविजुअल के कि क्यों उसको सोसाइटी से जो है पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिल रही का जो मकसद है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा और इसी चीज़ को मजीद ने कहा कि जब एक इंडिविजुअल का उसकी सोसाइटी के साथ उसका तनाव ख़त्म हो जाएगा तो ये जो वर्क प्रोसेस रिलेशनशिप है इसी के ऊपर जो है पूरी सोसाइटी फाउंडेड है इनार है क्योंकि वो स्ट्रेस देते हैं इस चीज़ पे जोर देते हैं कि अगर ये चीज़ें सॉर्ट आउट ना हुई दैट ह्यूमन बींग विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद दमसेल्स तो ह्यूमन बींग अपने आप से ही लड़ते जाएंगे और लिव इन द स्टेट ऑफ एलिनेशन या तन्हाई में चले जाएंगे या उनके कहने का ये भी मकसद था कि यही दो वजूहत हैं जिनकी वजह से एक ह्यूमन बीग एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में सेट नहीं हो पा रहा अच्छा जी हो क्यूमर को अर्ली मार्क्सिस्ट भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सबसे पहले थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट को इंप्लीमेंट किया और पूरे फ्रैंकफर्ट स्कूल में किया ठीक है इज मार्क्सिज्म लाइक दैर ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल एज ए होल ठीक है हाल इंटलेक्चुअलाइज बहुत ही समझदार और दान्वर थे बट ही डज नॉट इम्प्लाई इधर कम्युनिस्ट पार्टी और सपोर्ट फॉर द सोवियट यूनियन जर्मनी नाजी पार्टी में दो पार्टीज बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक सोवियट uh, यूनियन बन चुका था लेकिन दोनों को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था इसके अलावा हॉकी उमर इज़ इन हायर ऑफ द लाइटेंट ट्रेडिशन कहा जाता है कि जो इनलाइटनमेंट यानी रोशन ख्याली की जो ट्रेडिशन है जो रवायात है उनके वारिस हैं हो कि उमर विच कॉन्शियसनेस ऑफ तो रेवोलूशनरी बोजवाजी एंड टू कैंट इन पर्टिकुलर। यानी जिसे वो इनकलाबी बोजवाजी और खासतौर तो पर कांट के मतलब काम को ख़ुद के सेल्फ़ कॉन्शियसनेस के तरफ रख करना वो देखते हैं वो सोचते हैं यानी कांट क्या सोचता था रेवोल्यूशनरी बोर्ड क्या हैं उन सब की सेल्फ़ कॉन्शियसनेस जब उसके जहन में आती है तो इन सारी चीज़ों को देखता है और फिर वो इन्वाटनमेंट ट्रेडिशन की बात करता है यहाँ पे कांट इमानुअल कांट की बात हुई हुई है जो जर्मन फिलोसोफर थे इमानुअल कांट आपने इन सब के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा ये भी एक फिलोसोफर थे क्या तो हो क्यूमर जो थे वन से भी इंस्पायर थे क्योंकि ये भी लाइटमेंट की बात किया करते थे ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन अब पर यह ये समझने की कि इसने क्रिटिकल थेरी का वर्ड कॉइन ही क्यों किया वैसे तो ये सारी बातें जो हैं मैं आ, क्रिटिकल थेरी के फर्स्ट इंट्रोडक्ट्री जो लेक्चर है उसमें बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं ये यहाँ पर कन्फर्म कर दूँ कि मैक्स ऑफ क्यूमर ही वो पहले बंदे थे जिन्होंने क्रिटिकल थेरी का वर्ड कॉइन किया था ठीक है और किस में कॉइन किया था 1937 में इन्होंने ऐसे लिखा जिसका नाम था ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थीरी तो अपने इस इंस्टीट्यूशन में जितने भी पहले से ये लोग ट्रेडिशनल थेरीज़ देखते थे ना जैसे मार्क्सिज्म हो गया क्योंकि ये लोग मार्क्सिज्म को बहुत मानते थे और मार्क्सिज्म की रूट से ही इनका मानना है कि हम लोग हम लोगों की क्रिटिकल थेरी की रूट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं ठीक है इनका कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है लेकिन इन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनल जो थेरीज हैं जो पुरानी थीरीज हैं उनमें ड्रॉबैक्स हैं लेकिन जो क्रिटिकल थेरी है दे औरटेड टू वर्ड क्रिटिंग एंड चेंजिंग सोसाइटी एज ए होल वो सोसाइटी को एज ए होल चेंज करने में और क्रिटिसाइज करने में पूरे के पूरे सोसाइटी को चेंज करती है ठीक है क्रिटिसाइज करने में और चेंज करने में इन कंट्रास्ट ट्रेडिशनल थेरी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ समझाने में और बताने में जो थी वो ट्रेडिशनल थेरी सिर्फ अपना फोकस रखती थी ठीक है अच्छा जी और आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ ना तो देखिए इन्होंने पहली वाली थेरीज़ को कह दिया ट्रेडिशनल और इन्होंने क्रिटिकल थीरी को कह दिया आज की थेरीज़ यानी ट्रेडिशनल थी वो थीरीज़ हैं जिनको लोग पहले माना करते थे और उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं है लेकिन क्रिटिकल थीरी को उन्होंने कहा कि क्योंकि ट्रेडिशनल थेरी हर बंदे के लिए एक जैसी जो सर्किमस्टेंसेज uh, है वो लेकर नहीं आ सकती इसी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का कनेक्शन सोसाइटी के साथ ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने क्रिटिकल थेरी को क्वन किया उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उनमें चेंज नहीं हो सकता उन ट्रेडिशनल थ्योरीज में कहा जाता था कि जिसके पास हर बंदे के पास पावर नहीं है लेकिन क्रिटिकल थ्योरिस्ट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है हर जगह पावर है हर इंसान के पास पावर है लेकिन हर बंदा उसे उस इस्तेमाल इस नहीं कर सकता ट्रेडिशनल थ्योरी ने कहा कि जो आज सच है वही सबके लिए सच है लेकिन क्रिटिकल थ्योरीज ने कहा कि ऐसा नहीं है क्योंकि हर बंदा हर सोसाइटी के हर कोने से Different सिचुएशन और डिफरेंट circumstances face फेस करता है इसलिए जो जिसके लिए आज सच है वो सच कल किसी और के लिए वैसा नहीं होगा अच्छा जी मैक्स ऑफ्यूमर के कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं इसके अलावा भी आप अगर लिखना चाहेंगे तो गूगल से आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आप वो लिख लीजिएगा सबसे पहले उसका है क्लिप्स ऑफ reason जो कि 1947 में जो था इसने पब्लिश करवाया उसके बाद बिटवीन फिलोसोशल साइंस जो था वो नाइनटीन से थर्टी के दरियान करवाया था इसके बाद इसने डोनो के साथ एक कलेबोरेट वर्क किया था जिसका नाम डायलेक्टेड ऑफ इनलाइटनमेंट था ये भी 1947 में ही पब्लिश किया गया था सो दिस दिसमर स्टेट फॉर मोर सच वीडियो तब तक के लिए खुद